उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने हिमाचल में अवैध खनन नहीं बल्कि अवैध खनन के कारोबार की बात की थी। हिमाचल में अवैध खनन के कारोबार जैसी कोई बात नहीं है। लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, इसकी शिकायतें मिलती हैं। ये पिछले दो साल से शुरू नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस की सरकारों के समय में भी था। ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कही। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने हिमाचल में अवैध खनन नहीं बल्कि अवैध खनन के कारोबार की बात की थी। हिमाचल में अवैध खनन के कारोबार जैसी कोई बात नहीं है। लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, इसकी शिकायतें मिलती हैं। ये पिछले दो साल से शुरू नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस की सरकारों के समय भी था। ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री जब मंत्री थे तो उन्हें मालूम था कि अवैध खनन होता है। बीजेपी सरकार ने दो साल में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। वे खुद कई बार औचक निरीक्षण पर गए हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में वर्तमान में 71 माइनिंग लीज है, इसमें केवल 13 उनकी सरकार के समय दी गई है, बाकी कांग्रेस सरकारों के समय की है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर विपक्ष सदन में भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वे निंदा करते हैं। विपक्ष को बैक आउट करने की आवश्यकता नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित विपक्ष सुर्खियों में आने के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने हिमाचल की जनता को आश्वस्त किया कि उनके विभाग में सभी काम ठीक से हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। गलत था, उन्होंने अवैध खनन के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने अवैध खनन कारोबार के बारे में बात की थी। अवैध खनन के कारोबार का कोई विषय हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अवैध खनन की शिकायतें मिलती हैं कि लोग जो है वो इलीगल माइनिंग करते हैं। ये कोई पिछले दो सालों से शुरू नहीं हुआ। ये जो खुद जब जब मंत्री थे तब भी इनको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर अवैध खनन होती थी, और हमने पिछले दो सालों में लगातार प्रयास किया है। और आपने एक बात ये देखी भी होगी, अग्निहोत्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि मंत्री होने के नाते मैं वहां पर लगातार समय समय पर जाता रहा हूं। हमने जो उनको कंपैरिजन दिया है उसमें भी हमने ये बताया है कि जितने माइनिंग लीज हुई है केवल और केवल 71 में से 13 माइनिंग लीज मेरी सरकार में हुई है, बाकी की सारी माइनिंग लीज उन्हीं ने दी हुई है। ये हमने कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी हुई। और इस प्रकार का एक भ्रम तैयार करना और एक इस प्रकार का सदन के अंदर भ्रमित करने का जो इन्होंने काम चलाया हुआ है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। आज कोई बैकआउट की जरूरत नहीं थी, उनकी सारी बातों का जवाब दिया गया, उनको ये बताया गया कि हमने कितना जुर्माना किया है, हमने ये भी बताया कितनी लीजिंग हैं, और केवल अखबारों में मेरा नाम छपे, अखबारों में मैं आऊं, केवल इतना ही मकसद मुझे लगता है विपक्ष के नेता श्री अग्निहोत्री जी का है, और मैं इसकी निंदा करता हूं। हम विभाग के मंत्री होने के नाते इस बात के मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि विभाग के अंदर सारे काम ठीक तरीके से हो रहे हैं, और मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, जीरो टॉलरेंस विद करप्शन, हम इस सिस्टम के साथ चले हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार से चले।